तो भैया सुबह की है, गुड मॉर्निंग और सबको है राम राम। यार कल का दिन था बहुत अच्छा, इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन होने वाला है और भी अच्छा। आज हमारे घर में श्राद्ध, तो अभी हम जा रहे हैं, सुबह के बज गए यार 5:30 और आज नींद खुल गई थी 5 बजे। चचा उठाते हैं, चचा उठते हैं मेरे सुबह 3:30 बजे, ठीक है। फिर मम्मी उठ जाती है, थोड़ी देर बाद पापा उठ जाते हैं, तो घर में सब उठते ही रहते हैं सुबह सुबह से। नींद सुबह सुबह जल्दी खुल जाती है। सबसे पहले पर बूट है, तू तो सोया था। सुबह सुबह आ गए हैं अपने यहाँ ये प्राणी, ये देखो बंदर महाराज, ये देखो अभी यहाँ वो पंगा चल रहा, देखो वहाँ पंगा हो रहा है भाई, पंगा। ये देखो कबड्डी चल रही है, अपने बच्चों को लेके घूम रही हो। ये देखो अब यहाँ लगे हैं फल फूल और सब्जियाँ, ये भाई साहब लोग कर जाएंगे सबका सपा चट, तो इसलिए इनको भगाना जरूरी है। वो देखो वहाँ नीचे खेत में वो खेल में लगे हैं। और देखो यही होने वाले, अच्छा अच्छा देखो अच्छा। तो यार ये हमारे इस बार आम में लगे हैं बहुत सारे फल, तो बाबू लोगों का, ताऊ जी लोग जो आते हैं महजदार। देखो जी इस बार हमारे आम में लगे हैं बहुत सारे फल, और ऊपर बाबू लोग लगे बहुत सारे फल आम के पेड़ में, और ऊपर बाबू लोगों का पेड़ है इसमें भी लगे हैं बहुत सारे। इनके इसमें पूरा लदा पड़ा है, अपने इसमें भी हैं बट अपना कम है, दिख नहीं रहे। झटल की बंदूक बना दो यहाँ, झटल की बंदूक हाँ कहाँ मिलता है भी आता हूँ आप तो दर्दा कह रहे वहाँ पर मिलेगा वाले अरे काट रखा था वो ये बैंबू छेद वाले नहीं है उसमें चाहिए झटल मोटा वाला ना मोटा वाला है हाँ ये है पापा और ये है बूजी, छोटे बूजी और ये है बड़े बूजी, ये है दादा और अंदर इनकी चटनी पार्टी। ये देखो है मम्मी अभी खा रही है, ये है दीदी, ये है ब्लॉगिंग, ये यार सब सो गए हैं, ये है वो है दादा, पापा भी सोने की तैयारी में है ना, मैं सोता नहीं भाई। अच्छा तो जब वो छोटी वाली घड़ी जो भी दो के बीच में है ना, वो जब छोटी वाली 3 हो जाएगी मांस खेगा। चलो तब तक ले बाय। तो यार आ गए हम लोग अभी दबते की नौली में, और यहाँ पर है हमारा शिव जी का नौली, और यहाँ से आता है इतना ठंडा पानी, यह जैसा लगता है जैसे कि फ्रिज है बिल्कुल अंदर पे। ये देखो ये जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे तो बहुत स्मार्ट थे, ये देखो यहाँ पर ऐसी नौली बना रखी है और इसके अंदर से प्राकृतिक रूप से यहाँ से पानी आता रहता है। और ये जो पानी आता है ये आता है यहाँ के 5 के पेड़ों से। देखो यहाँ अलग अलग तरह के पूरे पेड़ हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर पेड़ होंगे सिलंग, हाँ ये सिलंग है, खुशबू बहुत जोर की, मतलब 2-3 गांव तक पहुंचेगी इसकी खुशबू, इतनी खुशबू रहती है इसमें। ये सब है बांस के पेड़, तोड़ सकते हैं इसको। और है? ये देखो इतना मोटा पेड़, तो क्या है ये इतना मोटा पेड़, इतना बड़ा पेड़, ये देखो। और ये सब लगाए हमने, खड़क का पेड़ है वो सामने दिख रहा है, ये बांस का पेड़ है जो हम लोगों ने लगाया है, ये ऊपर पूरा हमारा ही है, ये सब बांस के पेड़ है जो हम लोगों ने लगाए हैं। कीड़े यहाँ कुछ नहीं, इसमें लगाने के था पर ये वाले इस खेत में नहीं, इसमें और बांस के पेड़ लगा देने हैं यहाँ ना पूरा। अरे वो टूट जाते हैं ना, उनकी जड़ होती है बहुत गहरी, तो इसमें लगा देंगे ना एक बार सारे इसमें। और नीचे ये किसका नीचे वाला है, अच्छा इसको छोड़ के हम लोग अपने वाले में ना इसमें पूरा बांस लगा देंगे। हाँ ये पूरा हमारा बेटा जैसे
टेंट ले बा खिदे को मजे कराए तो बोला भूले छ बजे तक आ कहां से एक चेन हो है ये कहां कांटरू तो यार अब चले गए हम मंदिर के लिए। हां हां तू सीधे मंदिर आना। अरे ये रहा हमारा मंदिर का रास्ता। ये रही अपनी पखली, सुंदर सी पखली। ओए गुंडा ये देखो हिमाडॉन है, हिमाडॉन। ये देखो हिमाडॉन है, इसका नाम है हिमाडॉन। बिल्कुल मुस्कुराएगी नहीं, बिल्कुल एकदम खामोश। अपन ना नौले के यहाँ पर बाघ आया है, अब बाघ देखने जा रहे हैं हम लोग। भाई बाघ आ गया रे बाघ। बाघ देखने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। ये बाघ कहाँ आया था? बाघ यहाँ नीचे आया था, बस अभी जहाँ हम लोग नौली गए थे बस वहीं बाघ आया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग नौली से निकले हैं। हैं कहीं यही है बाघ नीचे। ये यहाँ पर आया था यार बाघ, अभी ये आए थे हम लोग यहाँ पर, तो यहीं पर बाघ आया था। अभी यहीं से कहीं यहाँ को निकला है वो खेतों खेतों में। ये पहुंच गए हम लोग अपने भोले बाबा के मंदिर में। है बेटा मैं शायद परसों निकलूंगा बेटा, मैं कल बनाएंगे। हाँ कल बना, कब सुबह सुबह आ जाना। अरे यार सुबह तो मैं हूँगा ही नहीं, मैं तो लमगड़ा जा रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं तू नहीं, लमगड़ा तेरा काम नहीं है, हमारा काम है, बूझ का मेरा। नहीं मैंने मना कर दिया ना। तो ये रहे हमारे भोले बाबा। ये हमारे ये सारे ज्योतिर्लिंग हैं, 11 ज्योतिर्लिंग। और ये यहाँ पर का जो सबसे मुख्य है, अभी आपको अंदर के दर्शन तो कराता ही हूँ। ये देखो ये पेड़ जो है इस मंदिर के बीचों बीच निकला हुआ है, पीपल का पेड़। और इसकी जड़ पूरी, इसने पूरे मंदिर को ना ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे पूरे मंदिर को पकड़ के रखा है, गिरने नहीं देगा। और इसी की एक टहनी तोड़ के पापा ने यहाँ पर लगाई थी। आया। और ये हमारे हनुमान जी। क्या किसे जा? तो पार्टी बनती है, पार्टी बनती है आज कार्तिक भाई का। कार्तिक भाई और चाचा के बीच में डील है कि जितने भी यहाँ मंदिर में दक्षिणा आएगी वो दोनों 50-50 करेंगे। तो आज लग रहा है ज्यादा दक्षिणा आई है मंदिर में। आज मजे है, आज कार्तिक के मजे है। यहाँ पर हमारी धुनी है और यह है शिव की धुनी, तो इसे कहते हैं गुरु की धुनी। तो कभी भी किसी मंदिर आप जाओ तो सबसे पहले धुनी को नमस्कार करो, उसके बाद फिर मंदिर के आगे दर्शन करने चाहिए। और ये रहे मेरे भोले बाबा। सब फूटे हो देखो कांटे वाला, उसको बेलपत्र वो कहते हैं। वैसे दिखाओ धतूरा होता है, धतूरा जहर होता है किस्म से। ऐसे मत जाए, अगर सांप आप आई है मंदिर में फिर हाँ तो मत जाना ऐसे, नाग आते हैं। तो यार अभी लग रहा है हमारा यहाँ पर मंदिर में झाड़ू। कार्तिक भाई ने कर दी है पूरे मंदिर की बढ़िया से सफाई, इस तरह की कर दी मैंने। कार्तिक भाई और मैं दोनों बेटा मिल गए, हम दोनों कर रहे हैं ये पूरी सफाई। ये रोज होता है इतना पूरा, यहाँ है बड़े देवदार के पेड़ हैं तो इस पर से ये पूरा गिरता रहता है इधर नीचे। हमारे यहाँ मंदिर में ना हम अकेले नहीं होते खाने वाले। ये देखो इतने सारे हमारे ये बाकी प्राणी भी हैं, ये अंदर भी घूम रहे होंगे। देखो ये अंदर प्रसाद डले रहता है तो ये सब खाने के लिए आते हैं, सब घूम रहे हैं मस्त होकर। कुछ इनका घर कुछ हमारा घर, सब मिल कर के दुनिया। फिर यहाँ हो गई हमारी पूजा पाठ शुरू और चचा लग गए हैं यहाँ दिया जलाने में। ये देखो प्योर घी का दिया जल रहा है, गाय के घी का दिया। यहाँ देखो खड़बत्ती जल रही है और अभी थोड़ी देर में हो जाएगी यहाँ पूजा स्टार्ट। तो यार हम तो करते हैं पूजा, कार्तिक भाई पहन रहे हैं धोती, फिर करते हैं पूजा स्टार्ट फिर मिलते हैं। तो यार यहाँ हमारा
कार्तिक कर रहा बेटा पूजा। तो यार यहाँ हो गई है पूजा की तैयारी, और ये है इसमें डालिए धूप, ये ऑर्गेनिक धूप है पूरी जड़ी बूटियों वाली। तो चलो भैया कार्तिक जी कर रहे हैं हमारे कार्तिक बेटा पूजा। ये गए हमारे चाचा जी। तो भैया मंदिर से आ गए वापस, सुबह भाई मिल गए थे रास्ते में और इनको तो हो इसके हो रही है छाती में दर्द, छाती होती है। और ये रास्ते से ये रहा हमारा गौशाला, ये छोड़ दो अब। तो ये रात के बज गए हैं 10:30 और अब हो गया सोने का टाइम। मैं फिलहाल बैठा हूँ अभी बखली के बाहर से, ये देखो यह लाइट जली है बाहर से और यहाँ चली बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा। तो फिलहाल अब जाता हूँ सोने के लिए, तो मिलते हैं कल। सी यू एंड गुड नाइट।